कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। और कुछ दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था दरभंगा एम्स को लेकर के, खुल गया है, खुल गया है। प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दुगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी उसके बारे में बोले। सही मायने में देखिए आज़ादी तो मिली, हम लोग 77वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं, खुशी है इस बात की। लेकिन आज के दिन उन लोगों को भी याद करते हैं जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, और ख़ासतौर पर भारतीय सेना, चाहे इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, कई ऐसे हमारे जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं, जिन्होंने हम लोगों के लिए 77 साल से लगातार कुर्बानियां देते रहे हैं। देश के नाम जो है उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया, बलिदान दिया, और उन्होंने जो शहादत दी आज के दिन उनको भी याद करते हैं। लेकिन आज हमने प्रधानमंत्री जी की भी भाषण को सुना, वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो कि शोभा नहीं देता। देश के लोगों को ज़्यादातर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दुगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी उसके बारे में बोले, 15 लाख का क्या हुआ। और हमने सुना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ेंगे, तो एक तरफ जो है एक दिन पहले वो अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बोलते थे और दूसरी तरफ उनको गले लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो वही है, तो सब लोग देश की जनता देख रही है। लेकिन आज के दिन कम से कम राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 2024 में भी हम ही आएंगे, जो शिलान्यास हम कर रहे हैं, उद्घाटन भी, तो कहीं ना कहीं ये तो देखिए घमंड है ना, ये तो घमंड है। कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। और जनता ये भी देख रही है कि आज की स्थिति क्या है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा। और कुछ दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था दरभंगा एम्स को लेकर के, खुल गया है। तो ऐसी बातें, नकारात्मक राजनीति जो है आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने की, ये और जिस प्रकार से मैं ही मैं हैं और कोई है ही नहीं, अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। बहुत लोगों का अहंकार जो है चूर हुआ है, और ये तो नियम है, ये जो है ऊपर वालों का ये नियम है कि भाई जो आएगा वो जाएगा।